नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा वासियों को परिवार के साथ मनोरंजन करने का एक और अच्छा स्थान मिल गया है। शहर के सेक्टर बीटा 2 स्थित ओमैक्स कनॉट प्लेस मॉल में ओ ताज दोबारा से आपका मनोरंजन और स्वागत करने को तैयार है। AMV प्रोडक्शन कंपनी ने शनिवार को यहाँ 1000 से अधिक लोगों की क्षमता वाले बैंकेट हॉल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने किया। देखिए, गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा शहर विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है और मैं बधाई देता हूँ MMV प्रोडक्शंस को और उनके डायरेक्टर्स अजय सरीन जी को, मनीष वर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को। आज इस ओमैक्स मॉल में, कनॉट प्लेस कहे जाने वाले इस मॉल में, आज ताजमहल की आकृति के रूप में जो ये क्रिएशन की गई है। और कहावत है कि किसी शहर की पहचान पत्थर की इमारतें नहीं हुआ करती हैं। वहाँ रहने वाले लोग, वहाँ की आध्यात्मिक, वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ उस शहर की पहचान बना करती हैं। इस मॉल में MMV प्रोडक्शंस और मनीष जी और अजय जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो ये क्रिएशन किया है, ये वास्तव में अद्भुत है। ये ताजमहल का जो एक रेप्लिका बनाया गया है हम लोगों ने, ये आज इसका उद्घाटन रिलॉन्च कर रहे हैं और इसके बाद ये कल से हम पब्लिक के लिए भी ओपन कर देंगे। और इसके अंदर में, ताजमहल के अंदर में, हम साथ के साथ एक 5D थिएटर भी अंदर लगाया गया है, जो कि हम लोग इसके अंदर में दिखाएंगे कि कैसे ताजमहल बनाया गया था, कैसे उसके अंदर में शाहजहां मुमताज़ मिले थे, तो उसके ऊपर में एक मूवी बनी हुई है, वो हम 5D के अंदर में लोगों को देखेंगे। उसके बाद हमारा एक सीढ़ियाँ उतर के हम लोगों को शो करेंगे उनकी जो कब्र बनी हुई है, जो एक्चुअल ताजमहल में नहीं जाने देते हम किसी को भी, वो बनाई गई है। और ये ताजमहल की खासियत क्या है कि बिल्कुल जैसे एक्चुअल में ताजमहल आगरा में है, ये हमने उसी का रेप्लिका बनाया है, वो 256 फीट हाइट का है। संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने मुसलमानों से एक हो जाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मदद का वक्त है, डकैती डालकर एक दूसरे की जेबें खाली मत करो, एक दूसरे की मदद करो, हम इस देश में रहेंगे, देश की खिदमत कर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अमेठी में चल रहे अवैध विद्यालयों के खिलाफ BSA अरविंद कुमार पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां BSA ने जिले के 63 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को BEO के माध्यम से नोटिस भेजा गया। वहीं 3 दिन के अंदर सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को परिषदीय स्कूलों में नामांकन कराने के आदेश दिए गए। अलीगढ़ में AMU छात्रों को आपत्तिजनक पाठ पढ़ाने के आरोपी प्रोफेसर जितेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत को जिला जज ने खारिज कर दिया है। दरअसल प्रोफेसर ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में छात्राओं को अश्लील बातें बताई थीं, जिस पर 6 अप्रैल को BJP नेता ने मुकदमा दर्ज कराया था। ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना इलाके का है। मंगलौर में ईद के त्यौहार को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। ईद के त्यौहार को लेकर के CEO मंगलौर पंकज कुमार के CLG मेंबर और ग्रामीणों के साथ बैठक की। वहीं ईद के त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईद का त्यौहार है 2 या 3 मई को, उसके संबंध में जो हम थाना मंगलौर क्षेत्र के सभी जो CLG मेंबर्स और गणमान्य व्यक्ति हैं उनको बुलाकर उनके संबंध में उसकी बैठक की गई, ताकि इस त्यौहार को हम शांतिपूर्वक संपन्न करा सकें। सोशल मीडिया पर कोई भी गलत टिप्पणी करेगा तो उस पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और जिस इसमें, अगर ये सभी से अपील भी करना चाहूँगा, यदि ऐसी कोई टिप्पणी संज्ञान में आती है तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें। गोरखपुर के ADG जोन अखिल कुमार स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए नदियों के किनारे साफ सफाई करते दिखे। वहीं ADG जोन ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए हमें अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बुलंदशहर के थाना गुलावटी पुलिस की गोकश बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस के जवाबी कार्रवाई में कुख्यात गोकश इमरान उर्फ समी को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। गोकश के पास से अवैध असलहा, कारतूस, एक स्कूटी, नशीली गोलियां और गोकशी करने के औजार बरामद किए हैं। बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र के पितोवास के जंगल में एक पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर गोकश
जिसका नाम इमरान उर्फ सम्मी है, क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है, गिरफ्तार हुआ है। और इसका एक साथी जो थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का रहने वाला है, मौके से भागने में सफल रहा है। उल्लेखनीय यह है कि इमरान के कब्जे से गोकसी के सारे उपकरण मिले हैं, स्कूटी मिली है, तमंचा कारतूस मिला है और क्रॉस फायरिंग के दौरान ये घायल हुआ है। 1/23/24 की रात में सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में एक मुरादाबाद गांव की सीमा में एक गोकसी की घटना हुई थी, जिसमें उसके अवशेषों को इन्होंने गंदे नाले में डाल दिया था और तभी से हमारी टीम लगातार उस प्रकरण में प्रयास कर रही थी। बागपत में तेज रफ्तार ट्रक ने भूसे से भरी भैंसा बुग्गी में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक होमगार्ड समेत 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरी घटना बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे की है। रुड़की में विकास प्राधिकरण ने संयुक्त सचिव के निर्देश पर 4 स्थानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जहां शेरपुर में हरिद्वार रोड पर अवैध रूप से बने कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण किया गया। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई से अवैध कॉलोनी वालों में हड़कंप मच गया है। पीलीभीत के थाना अमरिया इलाके के एक गांव में युवक ने घर में घुसकर युवती और उसकी मां के साथ मारपीट की, जिससे युवती और उसकी मां घायल हो गई हैं। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे भाई को युवक ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल लड़की और उसकी मां को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। एक रविंद्र पाल गंगवार नाम के 28 साल के आदमी, रिंकू गंगवार नाम के 19 साल के लड़का जो है 12 बोर के तमंचे से गोली मारकर हत्या की। उसके बाद वहां से भाग, वहां से 20 मीटर 25 मीटर दूरी पर रास्ते में अपने को खुद को गोली मार दिया है। दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, वहां पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिए गए हैं, मॉर्चरी में बॉडी रखवा दी गई है। गांव में पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि सुबह लगभग 9:30 के आसपास। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।